हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप रीट 2021 की एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको इतनी इंश्योर सिक्योरिटी दे सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद देखना आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे और डेफिनेटली आप जो है अपनी एक जो सीट है, एक नौकरी जो है, आप पक्की कर लोगे। पहली बात। दूसरी बात, रीट की डेट अनाउंस कर दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 26 सितंबर को रीट की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो देखिए आपके पास कितना दिनों का समय है, तो 120 दिनों के अंदर आपको जो है अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारियां कर रखी है, वो क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी बात बताई जाएगी कि 120 दिनों का रूटीन आपको कैसे फॉलो करना है, कब उठना है, कैसे पढ़ना है और किन किताबों को पढ़ना है, तो पूरी बात आपको बताई जाएगी। उससे पहले अगर आप नए हो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। देखिए, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, रीड लेस। अब आप बोलोगे कि कम पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं, कि पढ़िए, कम ही पढ़िए, लेकिन रीड क्वालिटी। देखो, बहुत सारे, मैं अपनी ही बात बताता हूँ, दूसरों की बात मैं नहीं करूँगा। पहले मैं छोटा हुआ करता था तो सामने में, माँ बाप के सामने में 2 से 4 घंटे पढ़ा करता था, बट पढ़ता था डेडिक 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 घंटे सिर्फ समय काटने के होते हैं, आप ओरिजिनली में 20 मिनट ही पढ़ते हो। तो इसीलिए आप क्या करो, आप अपने आप से ईमानदार रहो और कम से कम कोशिश करो कि आप रोज़ 4 घंटे 5 घंटे अब जो है देना स्टार्ट कर दो पहले महीने के लिए। दूसरे महीने में से आप बढ़ा करके 7 से 8 कर सकते हो और तीसरे महीने में 9 से 10 एंड आखिरी महीने में तो खैर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ये अनलिमिटेड है। जितनी आप पढ़ाई करो उतनी आगे आप जो है, आपके जो है उड़ान जो है आपकी और ऊँची होगी। तो पहली बात ये जो मैं आपको बताने चाहता हूँ। और एक और बात, देखिए क्वालिटी वाली ही किताबें पढ़ें, और इस किताब को लेकर मैंने वीडियो बना दी है डेडिकेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बुक लिस्ट की वीडियो, जहां से आप जो है एनसीईआरटी के अलावा किन किताबों को पढ़ा जाए वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखिए, आरबीएसई के बुक्स को पढ़ना है। अब ये क्या है आरबीएसई, ये राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं। मैं एक बात ईमानदारी से बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से आपको बताएगा। ऑनलाइन सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, जी हाँ, ये किताबें सब कुछ ऑनलाइन गूगल करके आप ले सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, कोई भी रीज़न हो जिससे आप इस बुक्स को डाउनलोड नहीं कर पाते हो या आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी रहा yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए आरबीएसई या रीट के नोट्स के लिए। अगर इंस्टाग्राम पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ पे भी आप मुझसे नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों मीडियम हैं, और ईमेल जब आप करोगे तो एक बात का खास ख्याल रखना, मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर दें आप। आगे बढ़ेंगे और देखिए टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल आप देखो टाइम मैनेजमेंट पे आपने हज़ारों वीडियो देख रखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा पढ़ाई करने को लेकर। देखिए सबसे पहली बात, जो अब देखिए यहाँ पे मैंने 130 दिन क्यों लिखा, क्योंकि अभी अगर पूरी तरह से देखा जाए तो 130 दिनों से ज़्यादा का समय बचा है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने तैयारी कर ली है पहले से तो आप ना 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालो जो तैयारी कर चुके हैं, और जो तैयारी नहीं किए हैं वो 4 से 5 घंटा डेडिकेटेड होकर पढ़ें। तो नए बच्चे के लिए रिवीजन वाली बात नहीं होगी, जो नए पुराने बच्चे हैं उन्हें रिवीजन तो डेफिनेटली 1 से 2 घंटे करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, रीड टॉपिक वाइज सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस की भी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिलेबस की वीडियो की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेवल 1 के लिए अलग से, लेवल 2 के लिए अलग से। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक से पढ़ोगे। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पैडागोजी, जी हाँ, पैडागोजी में एक सेक्शन है जहाँ पे आपको पढ़ना है। देखिए पैडागोजी में एक टर्म है जिसे आपको पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को आप पूरी तरह से पढ़ लो, और हो सके तो जितनी भी MCQs आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर लो, या फिर गूगल से इसे आप डाउनलोड कर लो, या फिर मुझसे जो मैंने नोट्स बताया था आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दें आप। आगे बढ़ेंगे, फोकस एंड ऑन पैडागोजी एंड लैंग्वेज पेपर। देखिए पैडागोजी और लैंग्वेज पेपर पे आपको कौन से जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत क्यों है, अगर आप L1 और L2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दे रहे हो, तो देखो अगर आप पैडागोजी में कंप्लीट करोगे तो देखिए
एक्चुअली क्या है, लेवल वन में भी आपका ये 30 मार्क्स का कंप्लीट करेगा और लेवल टू में भी करेगा। तो देखिए ये आपके लिए बेहतरीन होगा, यानी कि आप पढ़ोगे किसी लेवल वन के लिए या लेवल टू के लिए, पढ़ाई दोनों लेवल की होगी। तो आप जो है लैंग्वेज पेपर को अच्छे से पढ़िए और पैडागोजी को तो डेफिनेटली पढ़िए। और यहाँ पे कितने नंबर आपको मिलेंगे, 90 नंबर। और अब आप देखो अगर 150 में अगर आपका 190 कवर हो रहा है तो कितना बड़ा सेक्शन है। तो लैंग्वेज वन अगर हिंदी है, लैंग्वेज टू अगर इंग्लिश है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और किन्हीं को अगर ग्रामर की बुक की भी ज़रूरत है तो मेल मुझे कर लीजिए, मैंने ईमेल आईडी आपको बता रखी है। और आगे बढ़ते हैं, योर सब्जेक्ट इज की टू सक्सेस, यानी कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन अगर आपने मैथमेटिक्स से की है तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने इंग्लिश से किया है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है सक्सेस की ओर बढ़ोगे। अगर किसी कारणवश आपने पढ़ाई नहीं करी है ग्रेजुएशन में तो क्या करोगे, देखिए पढ़ाई अब आपको कर लेनी है। और देखिए 6 से लेकर के 10 तक के सारे बुक्स को आप पढ़ लो। सपोज कर लो आपका संस्कृत है, आपने संस्कृत से सब कुछ किया है अभी तक, तो संस्कृत के सारे 6 to 8 के सारे बुक्स को पढ़ लो या 12 तक के भी बुक्स को पढ़ लो, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंस वो इतना बूस्ट कर जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे अब रूटीन की बात आती है। देखिए ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉपी भी किया है, बट मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे कॉपी करता है। एक्चुअली मैं उतना वर्थ हूँ कि लोग वर्थ है मेरे रूटीन को लेकर, जो सुझाव दिए गए हैं, जो सजेशन दिया गया है, अगर लोग उसे फॉलो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे फॉलो करते हैं और वीडियो मुझे देखकर बनाते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप किसी तरह से स्टूडेंट को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचा रहे हो, तो चलिए आप जारी रखिए इस तरह की चीज़ों को। देखिए पहला क्या है, डोंट रीड ऑन बेड, रीड ऑलवेज ऑन अ स्टडी टेबल। अब इसकी क्या साइकोलॉजी है, देखिए अगर आप बेड पे बैठ करके, बिछावन पे बैठ करके पढ़ोगे तो थोड़ी देर में आपको आलस आएगी और आप अपना पीठ सीधा करने के लिए लेटोगे, और लेटने के बाद क्या होता है आप सभी को पता है, बिल्कुल आप जो है बिल्कुल कुंभकर्ण के छोटे से भाई बन जाओगे। तो इसको अवॉइड करना है, आपको किसी भी हाल में बेड पे नहीं पढ़ना है, ऑलवेज स्टडी टेबल पे पढ़ना है। और स्टडी टेबल पे आप सिलेबस की जो है प्रिंट आउट लगा दो और वहाँ पे लिख दो, बिल्कुल मिशन रीट और क्रैक रीट लिख दो। देखो इससे क्या होता है, अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, एकदम क्रैक रीट में लिख दूंगा तो क्या मैं रीट एग्ज़ाम पास कर लूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैट करोगे या फिर किसी दोस्त से गप्पे लड़ाओगे तो आपको याद दिलाएगा कि आपका क्या मोटिव है लाइफ में, आप कहाँ जाना चाहते हो। और आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ साथ आप खुद को चीट कर रहे हो, तो ये आपको हमेशा याद दिलाएगा। तो ये आप बिल्कुल लिख करके आप चिपका दो स्टडी टेबल के पास, तो ये आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। आगे देखिए, मोबाइल को मैं बिल्कुल बड़ा ही खतरनाक डिवाइस है, परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है ये मोबाइल। अब मैं इसे क्या बोलूँ, आयरनी बोलूँ कि मैं ये काम मोबाइल फ़ोन से ही कर रहा हूँ, सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे सबसे खतरनाक वेपन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा वर्क है, इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। लेकिन आप सोच करके देखो, मोबाइल के बिना आपका काम चल रहा है या नहीं? अगर काम चल रहा है, अब आप बोलोगे कि मुझे पढ़ना है, पीडीएफ मुझे पढ़ना है, तो भाई मैंने देखो अभी इस वीडियो को बनाने से पहले फ्लाइट मोड पे इस फ़ोन को डाल के रखा है, तो आप भी फ्लाइट मोड पे डाल करके पढ़ो ना, ऑफलाइन पढ़ो। ऑनलाइन पे देखिए, ऑन करोगे व्हाट्सएप का एक मैसेज आ जाएगा उधर से आपके बाबू सोना का, या फिर हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने आपको व्हाट्सएप कर दिया और ज़रूरी है आपको रिप्लाई भी करना है, तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। और ये काम तो बिल्कुल मत कीजिए कि नेट आपका ऑन होना चाहिए, मैं तो कहूँगा पढ़ाई करते समय मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और चार्ज पे लगा करके छोड़ दीजिए उसे, या फिर बिल्कुल उसे हटा देना है, साइलेंट पे भी रखने की फ़ोन ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान बिल्कुल मोबाइल के स्क्रीन पर ही जाएगा कि किसी ने मैसेज किया या नहीं। आगे देखिए, डोंट वॉच न्यूज टू मच। अब मैं पहला इंसान होऊंगा इस प्लानेट पे जो आपको न्यूज देखने से मना कर रहा है। अब आप बोलोगे न्यूज देखने से करंट अफेयर्स अच्छा होगा, अवेयर हो गया आप, लेकिन देखिए बहुत ही टॉक्सिक माहौल हो चुका है अभी टेलीविजन पे, लोगों को टीआरपी से ज्यादा कुछ नहीं की जरूरत है। आप कोशिश करो कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं 2-3 आपको सजेस्ट कर दूंगा, दुनियादारी ललन टॉप की देखिए, मैं रोज देखता हूँ, और
द प्रिंट की, जी हाँ द प्रिंट आप देख सकते हो, और ललन टॉप दो आप एक द प्रिंट जो है वो इंग्लिश में आपको दिखेगा और ललन टॉप हिंदी में, दोनों में आपको कोई भी बायस नहीं दिखेगा कि ये बीजेपी के सपोर्ट में है या कांग्रेस के सपोर्ट में, बिल्कुल दोनों न्यूट्रल होकर सारे चीज़ों को रखते हैं, तो आप देख सकते हो। और कट द क्लटर, कट द क्लटर प्रोग्राम आता है, उसे ज़रूर देखें आप रात में, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। शेखर गुप्ता आधे घंटे में किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। या फिर आप राज्यसभा टीवी देख सकते हो, राज्यसभा टीवी में जो वीकेंड पे जो डिस्कशन किया जाता है उसे देख सकते हो आप। आगे बढ़िए, डिवाइड योर टाइम्स इन अ ब्लॉक्स। अब ये ब्लॉक्स क्या होता है, अपने टाइम को कैसे आप ब्लॉक्स में बांट सकते हो, देखो सबसे पहले देखो आप टाइम में, अगर मैं इसे चार डिवाइड कर दूँ चार पार्ट में आपके पूरे दिन को, तो छः छः घंटे आए, तो इस छः घंटे में आपके पास सबसे बेहतरीन छः घंटे कौन से हैं। सपोज कर लो ये जो है आपका ये दोपहर का टाइम या फिर मॉर्निंग का टाइम जो सबसे बेस्ट है, तो इस टाइम पे आप जो है जो सब्जेक्ट आपकी सबसे कमज़ोर है उसे आप पढ़ना स्टार्ट करो। और फिर जो सबसे हैक्टिक टाइम है, सपोज कर लो ये टाइम जब आप रात में जो है अपने फैमिली के साथ डिनर करते हो या गप्पे लड़ाते हो, इस समय आप कोशिश करो रिविज़न कर लो पुराने चीज़ों को, और सुबह उठ करके आप जो है कोशिश करो कि कुछ नया किया जाए, नई चीज़ों को आप मॉर्निंग में ही स्टार्ट करो और सबसे लास्ट में रिवीजन करने की कोशिश करो या फिर जब आपकी मर्जी हो। तो ये हुआ टाइम ब्लॉकिंग। एक बात और याद रखें, सुबह उठ करके एक पेन पेपर पे आप डायरी बना लो और लिख लो किन किन टॉपिक्स को आपको आज पढ़ करके ख़त्म करना है, और शाम कर जब आप रात को बेड पे सोने जाओगे तो उसे कट कर दो कि मैंने इतने काम को किया, कौन सा काम रह गया, अगले दिन उसे मेंशन करो। देखो मैं ना आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं रोज़ डायरी लिखता हूँ और रोज़ मैं अपना एम बनाता हूँ कि मुझे आज दिन में कितना काम करना है, तो मैं उसे टिक लगा देता हूँ कि मैंने ये काम कर लिया, ये काम नहीं हुआ मुझसे, तो मैं अपने आप को डांटता हूँ कि मैंने ये काम नहीं कर पाया। तो ऐसे आप कर करके इन चीज़ों को सीख सकते हो। आगे देखिए, ट्राई टू फोकस समराइज लर्निंग लेसन। देखिए जब भी आप दो घंटे आपने पढ़ाई की, सपोज कर लो आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ा, तो कोशिश करो कि आपने पढ़ाई कर ली तो इसे समराइज करने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ आप खुद से। देखो सपोज कर लो कि क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होता है जब आपका ब्रेन जो है अलग अलग जो है डायरेक्शन में काम करता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, चारों तरफ से दिमाग आपका एक जगह के आके रुक जाता है। जैसे कि मैं अगर पूछूं आपको कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तुरंत आपका जवाब आएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि एक जगह पे आके सिकुड़ा। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आपके पंख लग जाएं तो आप क्या करोगे, तो कोई बोलेगा मैं मामा घर चला जाऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं श्रीलंका चला जाऊंगा टूर करने के लिए, कोई बोलेगा मैं बीच पे चला जाऊंगा, अब कोई बोलेगा कि मैं कोई सामान लेकर उड़ जाऊंगा, तो सारे लोगों की अलग अलग रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेगी। तो ये हुआ आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इन चीज़ों को समराइज करो और लिखो अपने डायरी में। आगे बढ़ेंगे, डू मॉक टेस्ट। जी हाँ, अगर आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो आप ना 120 नंबर या फिर 150 नंबरों का एक मॉक टेस्ट जरूर लें। बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म है जो कि मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, अच्छी वाली मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा कि आप प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हो, और या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप पैसा खर्च करके भी मॉक टेस्ट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, और अंत में फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं, अगर आप मुझसे नोट्स लेना चाहते हो, RBS की बुक्स लेना चाहते हो या फिर RS अग्रवाल या किसी की भी किताब लेना चाहते हो, देन डू मेल मी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है आपको। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, imithunsingh सर्च करोगे मेरी ईमेल आईडी आपको, सॉरी मेरी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।